सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला, और आज हम लोग यहां पर टोटल 120 प्लस एमसीक्यू करेंगे दोनों चैप्टर के। तो अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक भी सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। चलो अब यहाँ से होता है हमारा स्टार्ट, आईसीएससी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 10th। ओके सो गाइस, लेट्स बिगिन नाउ। आई होप यू कैन डू इट, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। सो गाइस, ड्यूरिंग मियोसिस डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। मियोसिस के टाइम पर जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो देखो, मियोसिस के टाइम पर जो हमारा डुप्लीकेशन होता है ना, वो क्रोमोसोम में होता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे होता है, मतलब कि क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेशन होता है हमारा इंटरफेस में होता है। इंटरफेस हमारा कौन सा फेस होता है? मतलब कि जैसे आप लोग पार्टी में जाते हो, तो वहाँ उसके पहले आप जाने पार्टी में जाने से पहले आप जब तैयार होते हैं ना, यू पैकिंग करते हो जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सब कहाँ पर होता है? हमारे इंटरफेस में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग फेस। सो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट वाला है हमारा, द क्रोमोसोम गेट अलाइन एट द सेंटर ऑफ द इक्वेटर सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग। मतलब कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो आपको एक स्टेज दिखी होगी जिसका नाम शायद मेटाफेस है, शायद एनाफेस है, शायद प्रोफेस है, या फिर शायद टीलोफेस है। उस स्टेज में आपने देखा होगा कि जो हमारे मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक सेंटर में लाइन बना लेते हैं, सेल के सेंटर में। तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफेस। मेटाफेस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ईच क्रोमोसोम गेट अटैच बाय स्पिंडल इट्स सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम लाइन अप इन वन प्लेस एट इक्वेटर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर टू समझ में आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थ्री, द क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम आर अटैच्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड द क्रोमैटिड ऑफ। जो हमारे दो क्रोमैटिड होते हैं वो, देखो आपने ये चीज़ देखी होगी, हम मुझे पता है कि आप सभी ने चीज़ देखी होगी कि जैसे देखो ये हमारा क्रोमोसोम होता है, मान लो ये हमारा कुछ ऐसे करके क्रोमोसोम होता है, तो ये जो आप बीच में एक सेंटर देख पा रहे होगे, इस जगह जो हमारा सेंटर है ना, पूछा गया ये जो है हमारे, ये दो क्या है हमारे, ये दो है हमारे क्रोमैटिड्स, ये दो क्या है हमारे क्रोमैटिड्स, और जो जिस सेंटर से अटैच है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमियर, सेंट्रॉइड, क्रोमैटिड, सेंट्रोसोम। मतलब कि सेंट्रियोल उसे कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, या सेंट्रोसोम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड आर अटैच टू द सेंट्रोमियर, तो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड होती है या फिर हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स होती हैं, वो सेंट्रोमियर से अटैच होती है। नाउ वी विल मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल बी डिप्लॉयड, पोलन ग्रेन, एग सेल, स्किन सेल एंड आरबीसी। देखो यहाँ पर बोला गया डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। अब हम आप लोग यहाँ बता देते हैं माइटोसिस, अब याद करने की ट्रिक बताते हैं कहाँ पर डिप्लॉयड होता है और कहाँ पर हैप्लॉयड होता है। ओके, तो देखो आप लोग देखो कि माइटोसिस में टू डॉटर सेल बनती है, माई टू, याद करने की ट्रिक सीखो, MITOSIS होता है माइटोसिस में, और मियोसिस में चार। अब आपको इसे याद रखने के लिए ऐसे याद करो, माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि माइटोसिस में कितने सेल होते हैं, कितने डॉटर सेल होते हैं, दो, और मियोसिस में चार। अब उसके बाद देखो, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है टू नंबर ऑफ सेल्स, और जो हमारी मियोसिस होती है वो होता है हमारा, मियोसिस जो होता है हमारा वो होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि हैप्लॉयड। तो देखो यहाँ पर देखो, जो हमारा डिप्लॉयड होता है वो हमारा होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस जिसलिए होता है, माइटोसिस होता है हमारा मतलब कि सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स यहाँ पर हमारी कौन सी, सिर्फ एग सेल्स है, मतलब सॉरी सिर्फ स्किन सेल है हमारी सोमैटिक सेल, मतलब बॉडी सेल, जो कि बॉडी की ग्रोथ को या उसकी हाइट को या लेंथ को या ब्रेथ को बढ़ाने में मदद करती है। बाकी जो आरबीसी, एग सेल्स, पोलन ग्रेन, ये सब किसमें हेल्प करते हैं, ये सब हमारे मियोसिस में आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा स्किन सेल्स। नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस फेज इन दिस सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर। हम लोग सिंथेसिस फेज जो होता है सेल साइकिल में, उसमें क्या चीज़ के ज़्यादा सिंथेसिस होता है? उसमें डीएनए और प्रोटीन्स का ज़्यादा सिंथेसिस होता है। यहाँ पर हमारा जो डीएनए एंड प्रोटीन तो दिया नहीं गया है, तो डीएनए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ सिंगल सेल्स गिव अराइज 64 सेल्स बाय डिवाइडिंग माइटोटिकली, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट अंडरगोन माइटोटिक डिवीजन। मतलब बताया गया कि हमारी जो सिंगल सेल डिवीजन होती है उसमें 64 सेल्स होती है, मतलब 64 सेल बनती है, तो बताना है कि उसमें कितनी बार डिवीजन हुआ होगा। तो देखो, पहली सेल रही होगी, टू सेल बनी है, देन उन टू से फोर बनी, उन फोर से 16 बनी, देन उन 16 से फोर 64 बनी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं, समझो ये हमारी एक सेल, इससे दो बनी हमारी, अब इन दोनों से फिर दो दो बनी, इससे फिर दो बनी, इससे फिर दो बनी, सेम ऐसे इससे फिर दो बनेंगी, 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 उसी तरह देखो पहला स्टेज हो गया ये हमारा,
इसका हम कलर चेंज कर देते। देखो यहाँ पर मेनली जो सही आंसर देखो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले में क्या होगा 1 से 2 बनी, देन दूसरे में 2 से 4 बनी 2 हो गई, देन 4 से 16 3 और 16 64, मतलब कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर मेनली, जो डीएनए होता है हमारा किस टाइप ऑफ शुगर से मिलकर बना होता है, पेंटोस, हेक्सोस, ट्राइओस या फ्रक्टोस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पेंटोस शुगर होता है। नाउ अ सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्लांट, ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बता रहे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो मतलब आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लास्टिड, लेकिन हमें पता है कि आपका सही होगा। द टर्म क्रोमोजोम लिटरली में, जो हमारा जो क्रोमोजोम होता है उसका सही मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर, सोम्स मतलब होता है बॉडीज, क्रोमोसोम्स मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, अ क्रोमोसोम व्हिच हैज अ सेंट्रोमियर नियर द एंड, मतलब हमें बताना है वो ऐसा क्रोमोसोम बताओ जिसके एंड में सेंट्रोमियर होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। अभी आप लोग पूछोगे यार आप क्या बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर कौन सा केस कब अप्लाई होता है, अभी आप लोगों हम लोग आओगे आपको सब कुछ बताएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन है आपको इसी वीडियो में, तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो आपकी दिक्कत, आपको नहीं समझ में आएगा। नाउ तो यहां पर जो हमारा एक्रोसेंट्रिक होता है वही हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे होता है हमारा द रीजन वेयर द क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम, मतलब उसको बताना है जब हमारी क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में हमारा जो टॉपिक आता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें डीएनए एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर कर जाता है, तो उसके उस रीजन को हम लोग कहते हैं कियास्माटा, क्या कहते हैं उसे हम लोग कियास्माटा, CHIESMATA, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बताएं, मिटोटिक डिवीजन अकर्स इन, जो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है वो कहाँ आकर करता है, वेजिटेटिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेरिस्टमेटिक सेल्स, नन ऑफ दिस, यहाँ पर आपको पता है माइटोटिक हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स पर ही होता है और मियोसिस हमारा होता है सोमैटिक सेल्स पर, तो यहाँ पर माइटोटिक पूछा गया है मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स। नाउ साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो किस चीज का डिवीजन होता है, साइटो मतलब क्या होता है आपको समझ में आएगा, साइटोप्लाज्म, तो साइटोकाइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन साइटोप्लाज्म सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ डीएनए हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग इज ऑलवेज बिटवीन, मतलब आपने डीएनए का हेलिक्स देखो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे किसका पेयरिंग होता है, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, और एडिनिन, ग्वानिन, उसके बाद होता है साइटोजिन एंड थाइमिन, तो ये हमारे पास चार होते हैं, तो जो हमारा ए होता है पहले सी जो होता है वो जी से, ए होता है टी से, तो देखो सी जी से दिया गया है कहीं नहीं, ए सी से नहीं होता है, ए जी से नहीं होता है, ए टी से नहीं होता है, ए टी से होता है, बाकी सी टी से नहीं होता, मतलब कि हमारा एडिनिन और थायमिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिविजन विच हेल्प इन द रीजनरेशन बाय कीपिंग ऑल सोमेटिक सेल्स सिमिलर इज माइटोसिस, आप सभी को बताएं माइटोसिस हमारी इक्वेशनल डिवीजन और जो हमारी मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रोमोसोम, एक बार देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, क्या कभी कभी होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं होती और हमारा पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। नाउ अ क्रोमोसोम इन प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, हमारा क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो वो कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, वहाँ पर हमारा 2 क्रोमैटिड होंगे, अगर आपसे पूछे कितने क्रोमैटिड होंगे तो 2, और कितने क्रोमैटिड होंगे, क्रोमैटिड तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर 4 क्रोमैटिड होते हैं। नाउ आपको 16 भी समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, अ फेस सेड टू बी द रिवर्स ऑफ प्रोफेस, ऐसा फेस का नाम बताना है जो कि प्रोफेस का रिवर्स होता है। अब आपको ये प्रोफेस का रिवर्स ये आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस खत्म होने लगती है और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, सेम उसका उल्टा टीलोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो पास आ जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बनने लगती है और न्यूक्लियस भी दोबारा से आ जाता है, तो इंटरफेस का अपोजिट हो जाएगा, मतलब प्रोफेस का अपोजिट हो जाएगा आपका टीलोफेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस इफ अ सेल डिवाइड्स माइटोटिकली 4 times, अगर हमारे सेल माइटोटिकली 4 times डिवाइड करती है तो कितने वहाँ पर सेल्स बनेंगे, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, सिंपल सी बात है, मतलब 4 times में 16। देखो अभी हम आपको समझाते हैं, देखो ये हमारी इसका हम कलर बदल लेते हैं। नाउ देखो 1 हमारी सेल्स है, इससे बनी 2, ये 2 है हमारी, फिर इन 2 से 2 बनी, अब मैं 4 बार पूछा गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा, हम देखो यहाँ से 2 बनी, ये और ये इससे 2 एंड इससे 2, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी बन गई, अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ अभी आप लोग देखो एक सेल्स हमारी बनी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, मतलब टोटल यहाँ पर 16 सेल बनी, कितने स्टेप में, पहला स्टेप,
दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका होमवर्क आज का। द सेंट्रोमियर्स डिवाइड इनटू टू ड्यूरिंग। जो सेंट्रोमियर होता है वो दो में डिवाइड होता है, कब, कौन से फेस में। वैसे आंसर लिखा हुआ है, आपका होमवर्क नहीं है, गलत बात, इसे होमवर्क नहीं देते। अभी मैं आपको आगे होमवर्क दूंगा, एन ऑफ फेसेस का सही आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 20 होगा, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन अ फीमेल ह्यूमन विल हैव। माइटोटिक डिवीजन के बाद जो फीमेल की ह्यूमन की फीमेल की ह्यूमन में फीमेल होती है उसमें 44 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम। अगर आपको ये भी समझ में आएगा। अभी यहाँ पर हमने 20 MCQ कवर कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास 100 MCQ और बचे हैं। तो चलो प्रैक्टिस करते रहें, जिसका पेपर है कल वो उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलो आप देखो, हमने सोचा था अभी उतनी देर से ब्लैक एंड वाइट चल रहा था, हमने सोचा थोड़ा रंगीन कर दें, कलरफुल कर दें। अब आपके सामने पेश होता है ये क्वेश्चन। नाउ स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, इक्वेटर ऑफ द सेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ध्यान सुनो, क्वेश्चन बताना है जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है। आप सभी को पता है कि सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म की उसकी लोकेशन होती है। नाउ स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है। वो जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बिखरे हुए होते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रोमोसोम गेट अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम जब सेंटर में कब आते हैं तो मेटाफेस में आते हैं, जिसे हम लोग बनाते हैं कि वो इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ फेस इन द सेल साइकिल इज टू बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मोर। सिंथेसिस फेस में जो सेल साइकिल होते हैं उसमें क्या ज्यादा सिंथेसिस होता है, डीएनए। देन उसके बाद आता है द सेल कंपोनेंट विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। द सेल का एक ऐसा कंपोनेंट बताना है जो केवल सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। स्टेट द फंक्शन ऑफ डीएनए, स्टोर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए का फंक्शन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है जितनी भी जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जितनी खूबियां या हम लोग कहते हैं जितने करेक्टर से रिलेटेड बातें होती है उसको छुपा के रखती है। देन आता है हमारे पास जीन्स का फंक्शन है। जीन्स का फंक्शन होता है इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन। उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर सीन इन द इंटरफेस। मतलब जो आप मोटे से लंबे से देख एक फाइबर की तरह आप लोग देखते हो इंटरफेस में, वो क्या होता है वहाँ पर, वो होता है आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। नाउ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थिन डार्क स्टेनिंग, सेम है वही क्वेश्चन है, गलती से डबल टाइम स्क्रीनशॉट हो गया। द पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, मतलब कि दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जो रेस्ट का टाइम होता है उसे हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इसी वजह से इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज नॉट फंक्शन ऑफ मियोसिस। मियोसिस का कौन सा फंक्शन नहीं है। प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स, ये है। प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई इन ओव्यूल्स, सेक्सल में होती है, सही है। प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल सेक्सल में होती है, ये भी सही है। रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज, ये तो अलग अलग लग रहा है तो इसको हटा दो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ विच फेस कम्स बिटवीन G1 एंड G2। G1 और G2 के बीच में कौन सा फेस आता है, एस फेस। नाउ क्वेश्चन नंबर है, एट विच स्टेट इन माइटोसिस एंड मियोसिस डू क्रोमोसोम ऑलवेज लाइन अप द इक्वेटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख पाएंगे, चार बार आ चुका है, तीन बार अभी इसी वीडियो में आ चुका है मेटाफेस। नाउ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इन ऑर्गेन विल रिजल्ट इन कैंसर। मतलब कि जब एबनॉर्मल, मतलब कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो होता ही जाता है, बहुत टाइम होता जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तब हमारा कैंसर होता है, क्योंकि कैंसर में कैंसर की सेल बनती ही जाती है और हमारी पूरी बॉडी में कैंसर हो जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन इज फॉर्मड इन मेटाफेस। इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ पर फॉर्म होती है, मेटाफेस। दोबारा से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बार बार बता रहा हूँ। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स इन अ रूट टिप आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8 डॉटर सेल। 8 डॉटर सेल बनाने में आपको यहाँ पर कितनी मेरिस्टमैटिक सेल लगेंगी, देखो 256 कितनी लगेंगी, ये आपको बताने ना कितनी लगेंगी। अभी मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, तो अभी आप लोग देखो, आप लोग को स्क्रीन पर देखो, एक सिंपल से मैंने फंडा बताया है कॉपी में बना करके, कैसे यहाँ पर 256 डॉटर सेल्स बनेंगे, ध्यान से देख लेना। देख लिया, चलो आगे। नाउ देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ओके ये हो गया हमारा। नाउ अब आता है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह के, हमारे इस तरह कुछ हॉट क्वेश्चन है, मतलब कुछ प्यारे से क्वेश्चन है। देखो, अब बायवैलेंट ऑफ मियोसिस वन कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं। अब बायवैलेंट ऑफ मियोसिस, यहाँ पर आपको पूछा गया जो बायवैलेंट ऑफ मियोसिस होता है वो कितने कंसिस्ट करता है क्रोमेटिन एंड सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जो आपका ऑप्शन है 1D, मतलब 4 क्रोमेटिन एंड 4 सेंट्रोमियर। बायवैलेंट मियोसिस होगा तो वहाँ पर 4 क्रोमेटिन और 4 सेंट्रोमियर होंगे। सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू वेट। सेल्स जो है वो कहाँ पर डिवाइड नहीं होती है, सेल हमारी जो है एस फेस सिंथेसिस फेस में नहीं डिवाइड होती है। नाउ उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द इवेंट्स इन लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग माइटोसिस। क्रोमेटिक कंडेंसेशन, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद द 2 क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइस, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8
एट क्वेश्चन का ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर है, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक से दूसरे में चला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर आपका फिर से आएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सिक्स से पहले आ गए थे ना, मियोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू, एट विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स फाइनली डिसाइडेड, यहाँ पर टू का भी डी होगा एनाफेस का, एनाफेस का मतलब कि जो होता है लेटेस्ट एनाफेस स्टार्टिंग वाला है बस वो। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, मियोसिस कब होता है, ओनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यूरिंग एनाफेस, एनाफेस वन ऑफ मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है वहाँ पर उस टाइम पर होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव होता है मियोसिस, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज बाई, माइटोसिस जो होता है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, हमारा सी बोथ रिडक्शन एंड इक्वेशनल डिवीजन। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नाउ अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, द टू बेसिक प्रोपोर्शनल ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल के दो बेसिक प्रोपोर्शन है वो क्या है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग बात करें 13 की, 13 का सी मतलब इंटरफेस एंड एम फेज, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज, ये सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड, दो एम फेज के बीच में जो सक्सेसिव होता है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर हो जाएगा डी इंटरफेस। द थ्री फेज इन्वॉल्व इन इंटरफेस, इंटरफेस में जो थ्री फेज होते हैं वो होता है जी वन एस एंड जी टू मतलब कि 15 का ए। नाउ 16 हो गया हमारे पास, सेलेक्ट द स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ए है इंटरफेस लास्ट मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस इंक्लूड द सेल डिवीजन एंड डीएनए ऑफ सिंथेसिस, एस फेस इज द सेकंड फेज ऑफ द इंटरफेस एंड द बिगेस्ट फेज इन बोथ जी1 जी2 फेज सिंथेसिस ऑफ। देखो यहां पर जो ऑप्शन नंबर जरा से यहां पर कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ओके 16 है, 16 का ऑप्शन नंबर बी देखो इंटरफेस इंक्लूड सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये कुछ आपको अलग नहीं लग रहा है, 16 का बी आपका गलत हो जाएगा मतलब सही हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो जो आप लोग देख पा रहे हो डायरेक्ट लास्ट वाला देखो टू सेल टू साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हमारा गलत बात है मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी1 फेज, जी1 के फेज के बारे में सही स्टेटमेंट बताओ, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं एक्टिव होता है, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, यही आपकी बात एकदम सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 उसमें पूछा गया जो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड होती है हमारी डिवीजन ऑफ सेल एंड टिश्यू। उसके बाद ये वाला एमसीक्यू आप लोग अपने आप से पढ़िएगा, इसका आपको आंसर बताना है 12 वाला, देख लो ध्यान से 12th वाला, उसका आपको आंसर खुद से बताना है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन के बाद हमारा ये वीडियो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। द सेल डज नॉट शो इन डिवीजन आर एपिथेलियल सेल हर्ट सेल एंड मेगा कैरियोकाइट्स न्यूरॉन स्केलेटल, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है फिर भी आपके आ सकता है, तो याद कर लो जो डिवीजन शो नहीं करती है, तो जो आपकी एक बार आपने नाम सुना होगा कभी 17 का बी वाला न्यूरॉन नर्व सेल्स कार्डियक सेल्स ये कभी आगे जाके डिवाइड नहीं करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोसिस, माइटोसिस सेलेक्ट द रॉन्ग वन, जो गलत है उसे चूज करो, इट इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन द सोमैटिक सेल्स, ओ माइटोसिस सोमैटिक सेल्स है सही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटेरियल डिविजन, हाँ ये भी बात सही है, इट ऑकर्स ऑन डिप्लॉयड सेल, ये केवल डिप्लॉयड सेल में होता है, माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में होता है, गलत बात है ये। तो नाउ द करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज ऑप्शन नंबर बी, एंड 20 का होगा आपका द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फेज इन माइटोसिस आर प्रोफेज एंड एनाफेज, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज, प्रोफेज सबसे लार्जेस्ट और जो आपका होता है एनाफेज वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, नहीं हो